Hello, my dear students. Welcome once again. As you all know, I am discussing this video series for basically class 10th students. So nowadays we are focusing on phytohormones. So one by one we are discussing about each phytohormone. So we are going to discuss first about cytokinin. Where is the place, where is the site of synthesis of cytokinin? We are going to discuss site of synthesis. तो अगर साइटोसिंथेसिस के स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो ये वहां पे मिलेगा जहां पे रैपिड सेल डिवीजन होगा. रैपिड सेल डिवीजन लाइक रूट एपेक्स, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स, सीड्स एंड एक्सेट्रा. तो ये हमारे बेसिकली जो है साइट ऑफ सिंथेसिस एरियाज हैं, जैसे कि रूट एपेक्स, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स और सीड्स. अगले पॉइंट की अगर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें साइटोकाइनिन से रिलेशन में, तो साइटोकाइनिन का जो फंक्शन है वो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो इसका बेसिक फंक्शन है वो स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन. ऑक्सीजन के साथ साथ इट हेल्प इन स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, स्टिमुलेट सेल डिवीजन. एंड सेल ग्रोथ भी कराता है, स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ. और ऑक्सीजन के साथ साथ रहता है विद ऑक्सीजन, आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे. दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की बात करूं तो ये प्रमोट करता है सेल डिफरेंशिएशन. इट विल प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन. और ये जो साइटोकाइनिन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप फोकस करेंगे, ये एपिकल डोमिनेंस को रिड्यूस करता है, जो कि हम लोगों ने ऑक्सीजन में लिखा था कि प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को. यहाँ पे है रिड्यूस एपिकल डोमिनेंस. और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम लोग तो डिले करता है लीफ एजिंग. जो प्लांट्स में एजिंग प्रोसेस होती है उनमें डिले करता है. क्लोरोप्लास्ट के डेवलपमेंट को भी स्टूडेंट्स ये प्रमोट करता है. इट विल आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रमोशन, प्रमोट. क्लोरोप्लास्ट को मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लोरोप्लास्ट बहुत ही स्पेशल सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा. एक मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था अबाउट क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर. सो क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट एंड इट आल्सो हेल्प इन प्रमोशन ऑफ बड फॉर्मेशन. बर्ड फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है, प्रमोट बर्ड फॉर्मेशन. तो ये कुछ इस तरीके के इसके फंक्शंस हैं स्टूडेंट साइटोकाइनिन के. इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस मैंने आपको बता दी है. सीड डोरमेंसी को भी ये ब्रेक करेगा. ये पॉइंट अगर हम लोगों ने नहीं लिखा है तो आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं. इट विल रिड्यूस, और आप ऐसा कह सकते हैं इट विल ब्रेक सीड डोरमेंसी. फिफ्थ फंक्शन करके लिख सकते हैं, ब्रेक सीड डोरमेंसी, बट इन सम सीड्स ओनली, नॉट इन ऑल प्लांट्स. डोरमेंसी इन सम सीड्स, लिख सकते हैं सम सीड्स. So this is all about cytokinin students. I have told you about only very brief idea about this plant hormone. So don't go in too much detail as we are discussing this videos for class 10th students only. So thank you all of you, and I hope we will meet soon once again with a new plant hormone. Take care, bye bye.